नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे आचार्य जागेंद्र विश्राज चैनल में। माता लक्ष्मी जी खुश होने पर देती हैं यह संकेत, इनमें से एक भी आपको मिल गया तो होने वाले हैं आप माला माल। दोस्तों, जीवन में हर चीज़ की पूर्ति के लिए धन आवश्यक होता है। धन का अभाव होने पर कोई भी कार्य संपूर्ण नहीं हो सकता। हर व्यक्ति धनवान बनने के लिए कार्यरत रहता है। संपूर्ण संसार धन के पीछे ही भाग रहा है, ऐसे में धन की महत्ता तो अपने आप ही बढ़ जाती है। इसी बात को स्वीकारते हुए हर कार्य में माता लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है, उन्हें धन की देवी कहा जाता है। कहते हैं कि जिस पर माता लक्ष्मी जी की कृपा होती है वो व्यक्ति कभी निर्धन नहीं होता, उसे कभी से किसी चीज़ की कमी नहीं होती, उसका जीवन बहुत सुख चैन से गुजरता है। जीवन में किसी भी तरह की परेशानी उसे नहीं उठानी पड़ती। हिंदुओं के लिए देवी लक्ष्मी धन भाग शक्ति विलासिता सौंदर्य और शुभता की देवी है, जिन्हें माँ दुर्गा की बेटी और विष्णु जी की पत्नी के रूप में जाना जाता है। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किस प्रकार से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होने पर देती हैं हमें शुभ संकेत, जिन संकेतों के माध्यम से हमें पता चल जाता है कि हमारे ऊपर माता लक्ष्मी जी की महत्ता है। हमने जो पूजा पाठ व्रत उपवास आराधना की है उसके फल स्वरूप माँ लक्ष्मी हम पर कृपा आशीर्वाद बरसाने वाली हैं। ये संकेत हमें बताते हैं कि अब हमें हर हाल में कामयाबी मिलनी है। निसंचय माँ लक्ष्मी हमारे घर में धन धान के भंडार भर देगी। तो ऐसे समय में वो ऐसे कौन से संकेत हमें मिलते हैं, आइए जानते हैं। लेकिन दोस्तों, उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। अगर आप माता रानी के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी का जयकारा अवश्य लगाएं। दोस्तों, अगर आपके आसपास अचानक से हरियाली बढ़ गई, आपके घर में लगे पौधे खिलने लगे या फिर हरी भरी चीज़ें आपको ज़्यादा आकर्षित करने लगी, तो समझिए कि आप पर माँ लक्ष्मी जी की कृपा होने वाली है। हरियाली समृद्धि का बड़ा ही प्रतीक मानी जाती है। ऐसे सकारात्मक माहौल में लक्ष्मी माँ का आगमन जरूर हो जाता है, जीवन में खुशियों से भर जाता है, धन में वृद्धि होती है। अगर आपको सुबह अचानक अपने आसपास गन्ना दिखाई देता है तो ये साफ संकेत है कि आपके दिन अब पलटने वाले हैं। गन्ना दिखना अत्यधिक शुभ माना जाता है। कहते हैं गन्ने का रस सिद्धि विनायक पर आपको करने से माता लक्ष्मी जी प्रसन्न होती हैं, धन की बारिश करती हैं। ऐसे गन्ने का दर्शन आपके जीवन में ऐश्वर्य आने का संकेत हो सकता है। अगर आपको अचानक से घर के बाहर गाय दिख जाए तो समझ लें कि आपके भाग्य के द्वार खुलने वाले हैं। घर के बाहर गाय का आना, द्वार पर रंभाना सुखों के आने का संकेत होता है। इसी के साथ यह कोई शुभ समाचार मिलने का संकेत भी माना जाता है। घर के सामने आकर अगर रभाने लगे गाय तो भविष्य में धन प्राप्ति का योग बनता है। इसी तरह उल्लू के दर्शन होना भी अत्यधिक शुभ कारक माना गया है। घर की छत पर अगर उल्लू आकर बैठ जाए या फिर सपने में आपको उल्लू दिखे तो यह शुभ घटनाओं के आगाज का संकेत है। ये पक्षी आसानी से यूं ही कहीं दिखाई नहीं देता, मगर अचानक से आपको दिखाई पड़े तो समझ लीजिए कि माँ लक्ष्मी जी की अपार कृपा आप पर बरसने वाली है। जल्दी आपको आपका घर खुशियों से भर जाने वाला है। यह धन आगमन की निशानी मानी जाती है। आपके घर परिसर में मोर का आगमन होना या घर पर तोता उड़कर बैठना भी आपके भाग्य के द्वार खोलने का संकेत माना जाता है, यानी भाग्योदय होने का संकेत है। घर में तोते का आना बड़ा ही शुभ संकेत होता है। तोते का बोलना, पंख फड़फड़ाना बड़ा सौभाग्यकारी माना जाता है। ऐसा संकेत मिलने पर समझ जाएं कि माँ लक्ष्मी जी के कदम आपके घर पर पड़ने वाले हैं, धन की मुश्किलें अब समाप्त होने वाली है। दोस्तों, माँ लक्ष्मी का जब आपके घर पर आगमन होता है तो आपके घर परिवार के सदस्यों के बर्ताव में कमाल के बदलाव आने लगते हैं। आपका व्यवहार, खान पीन की आदतें, सोने जागने की आदतें सब बदल जाती है। आप प्रसन्न मन से सुबह जल्दी जाग जाते हैं, भूख कम लगने लगती है, व्यक्ति आलसी बन जाता है। अतिहार
दरिद्रता की निशानी होती है, जिससे शरीर में आलस्य बैठ जाता है और आलस्य व्यक्ति के पास कभी भी माता लक्ष्मी वास नहीं करती। माँ लक्ष्मी जी की कृपा होने पर कम भोजन से ही मन संतुष्ट और प्रसन्न होने लग जाता है। मांस मदिरास्य व्यक्ति अपने आप ही दूर होने लगता है, अपना मन पूजा भक्ति की ओर अपने आप ही बढ़ जाता है। ऐसे में समझ जाएं कि आपके घर में माँ लक्ष्मी जी का आगमन हुआ है। ऐसे घरों में क्लेश, कलह, राग, द्वेष या फिर अहंकार की भावना अपने आप ही कम होने लगती है। परिवार के सदस्यों के बीच में आपसी प्रेम सद्भावना का स्तर अपने आप ही बढ़ जाता है। रिश्तों में मधुरता आती है, घर का वातावरण मंगलमय और सकारात्मक हो जाता है और घर में साफ सफाई रखना इसलिए आवश्यक होता है क्योंकि जिस घर में स्वच्छता बिल्कुल भी नहीं होती उस घर में माता लक्ष्मी एक क्षण के लिए भी नहीं ठहरती। माँ लक्ष्मी को झाड़ू बहुत प्रिय होती है। अगर आपको कहीं बाहर जाते समय कोई व्यक्ति झाड़ू लगाता हुआ दिख जाए तो समझ जाए कि आपके ऊपर माँ लक्ष्मी जी प्रसन्न हैं। जल्दी माँ लक्ष्मी आपको इच्छित फल का वरदान देने वाली हैं, आपकी मनोकामना पूरी होने वाली है और इसी कारण से आपको ऐसे शुभ संकेत मिल रहे हैं। दोस्तों, अगर आपको सुबह सुबह जागते ही शंख की मधुर ध्वनि सुनाई पड़ती है, पूजा पाठ, मंत्र जाप या भजन की मधुर ध्वनि सुनाई पड़ती है, पूजा पाठ की आवाज़ें आने लगे, मंदिर का घंट नाद सुनाई देता है और आपके मन में प्रसन्नता छा जाती है, तो समझ लें कि आपके जीवन में सुखद परिवर्तन आने जा रहे हैं। माँ लक्ष्मी आपके ऊपर प्रसन्न है, आपका आने वाला समय बहुत ही शुभ और लाभकारी होने वाला है, आपको बड़ा धन लाभ होने वाला है। दोस्तों, कभी कभी पैसों की लेन देन करते समय आपके हाथ से पैसे छूटकर जमीन पर गिर जाते हैं। ऐसे में कई लोगों को लगता है कि इससे माँ लक्ष्मी जी का अपमान हो गया, माँ लक्ष्मी आपसे नाराज हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यूं पैसों का गिरना आपको और ज़्यादा धन लाभ होने के संकेत है। माँ लक्ष्मी आपको इतना धन देगी जो कभी खत्म नहीं होगा, लेकिन ऐसे अपने हाथों से गिरे पैसे उठाकर अपने माथे से जरूर लगाएं। दोस्तों, सपने में धन दिखना, हीरे जवाहरात दिखना सूचित करता है आप माँ लक्ष्मी की कृपा पात्र व्यक्ति बन गए हैं। लक्ष्मी जी की सदा आप पर आशीष बनाए रखने वाली हैं। दोस्तों, अगर सुबह सुबह आपके द्वार पर कोई याचक आ जाए तो यह संकेत है कि रूठी लक्ष्मी लौटकर आने वाली है। दोस्तों, कभी द्वार पर आए हुए किसी गरीब याचक को निराश नहीं करना चाहिए, अपने सामर्थ्य के अनुसार उसकी मदद करें, इससे आपके जीवन से दुख दर्द चले जाते हैं, माँ लक्ष्मी जी की असीम कृपा मिल जाती है। सुबह के समय अगर कोई दूध ले जाता दिखे तो ये शुभ समाचार मिलने का संकेत होता है, इसका मतलब है कि कहीं से आपको कोई बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। दोस्तों, सपने में खुद को बटन टाँगते हुए देखने का मतलब होता है कि आपको धन संपदा और यश की प्राप्ति होने वाली है, और अगर सपने में आप खुद को मुसीबत से बचते दिखाई देते हैं, जैसे कोई वाद विवाद का या कोर्ट कचहरी का मामला अगर आपके पक्ष में सुलझता दिखाई देता है तो समझ जाएं कि आपको बड़े धन की प्राप्ति होने वाली है, ये धन लाभ का संकेत है। दोस्तों, कुछ शारीरिक लक्षण या संकेत भी धन लाभ की ओर इशारा करते हैं, ऐसा पुराने समय से माना जाता आ रहा है। अपनी बाईं हथेली पर खुजली होना धन प्राप्ति का संकेत माना जाता है, इसे बड़ा लाभ कराने वाला माना जाता है। अगर आपके पीठ पर ऊपर की तरफ दोनों बाजुओं का मध्य भाग फड़कता है तो समझे कि आने वाला समय सुखों से भरा होगा, आपके ऊपर माँ लक्ष्मी की कृपा बनी है। ये रुका हुआ कहीं अटका हुआ धन वापस मिल जाने का संकेत भी होता है। दोस्तों, अगर आपको कहीं से गुजरते वक्त सफ़ेद सांप दिखाई दे या सपने में आपको सफ़ेद या सुनहरे रंग का सांप दिखाई दे तो इसे लक्ष्मी का आशीर्वाद मिलने का संकेत माना जाता है। दोस्तों, जब आप लक्ष्मी के मंदिर जाएं, माता लक्ष्मी जी के पूजन करें और उसमें आप खुद को बड़ा प्रसन्न महसूस करते हैं, आपको लगता है कि माँ लक्ष्मी अपने मुख कमल से आपको कुछ कहना चाह रही हैं, या ऐसे समय पर माँ के चढ़ाए हुए फूल गिर जाते हैं, तो समझ लेना कि 100% माँ लक्ष्मी आपकी भक्ति से प्रसन्न है, आपकी सेवा उन्होंने स्वीकार कर ली है, आप पर अपनी कृपा बरसाने वाली है, आपके बिगड़े काम अब बनने वाले हैं, सौभाग्य भरे दिन आपके आने वाले हैं। तो दोस्तों, इनमें से कोई भी संकेत आपको मिल रहा है तो अवश्य समझ लेना कि माँ लक्ष्मी ने
भक्त स्वरूप आपको स्वीकार किया है, आपके जीवन की नैया पार लगाने वाली हैं, आपके दुख दर्द दूर करने वाली हैं, स्वयं आपके घर में स्थायी वास करने वाली हैं, तो आपकी भक्ति में कोई कमी ना आने दें और कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी लिखना ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।